गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता। कोहरे की वजह से ट्रेनों, बसों और फ्लाइट की लेट तलीफी चौथे दिन भी जारी रही। एनटीटी से गोरखपुर आने वाली कुशीनगर 11 तो बठिंडा से गोरखपुर आने वाली गोरखधाम 9 घंटे लेट से पहुंची। विमानों पर कोहरे का असर पड़ा। स्पाइस जेट की फ्लाइट 2 घंटे देर से गोरखपुर पहुंची, जबकि बाकी सभी सामान्य रूप से समय पर लैंड कर गई। वहीं रोडवेज बसों पर कोहरे का असर अब भी जारी है। विज्ञापन। लगातार लेट लतीफी के चलते यात्रियों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है। गोरखधाम एक्सप्रेस से गोरखपुर आ रहे यात्री रमेंद्र ने बताया कि रास्ते में चाय तक नहीं मिल रही थी। सबसे अधिक बच्चों को हुई। ठंड होने की वजह से स्टेशन पर उतरने में भी दिक्कत हो रही थी। सबसे अधिक लेट दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें हो रही है। न ही आने की टाइमिंग है और न ही जाने की। घंटों लेट होने के बाद जब देर रात जंक्शन पर पहुंच रही है तो यात्रियों को भूखे पेट रहना पड़ रहा है। उनके पास सिर्फ चाय बिस्किट के अलावा और कुछ भी लेने का विकल्प नहीं है।